कि गैरसैंण पर फिर से एक बार सियासत गरमा गई है। हरीश रावत ने गैरसैंण में सांकेतिक तालेबंदी का ऐलान कर दिया है। हरीश रावत पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पलटवार, सीएम रहते हरीश रावत ने गैरसैंण के लिए क्या किया है, प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पूछा गया। हरीश रावत ने 14 जुलाई को गैरसैंण जाने का ऐलान किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैरसैंण पर एक बार फिर से उत्तराखंड में राजनीति शुरू। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से उठा है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने कहा है कि ग्रीष्मकाल पूरा होने से पहले यानी 14 तारीख को वो गैरसैंण में जाएंगे और सांकेतिक तालेबंदी वहाँ कार्यालय में करेंगे। हरीश रावत जी क्या कर रहे हैं तो वो जाने, उनको बहुत हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे हरीश राव जी जरा ये तो बताएं, उन्होंने गैरसैंण के बारे में जब वो सरकार में था क्या किया, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? और जनता ने एक पार्टी को दोबारे बहुमत देके सरकार बनाने का जो जनादेश दिया है, क्यों उसका उपहास कर रहे हैं आप? आपको तो जनता ने बाहर कर दिया, आपके हर मुद्दे को आपको नकार दिया। तो अब इस प्रकार के काम करना, इस प्रकार के हालात पैदा करना, वो न तो हमें मंजूर है न जनता को मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास करने में विश्वास करती है, विश्वास और काम कर रही है। आखिर तक बैठे व्यक्ति का, जनता के आखिर तक छोर पे, छोर के आखिर कोने पे बैठे व्यक्ति का जो ध्यान हमारी सरकार दे रही है, जो काम कर रही है, जनता उस पर भरोसा कर रही है। इसलिए अब इस प्रकार की बातों को जनता अब स्वीकार नहीं करेगी।